और भोपाल से बड़ी खबर है जहां राज्य के पेंशनर्स का डीए बढ़ा दिया गया है। खुशखबरी बड़ी खबर है, राज्य के पेंशनर्स का डीए बढ़ गया है। राज्य सरकार ने आदेश भी जारी किया है, छठवें वेतनमान पर 9% और सातवें वेतनमान पर 4% की वृद्धि की गई है। डीए में बढ़ोतरी की खबर आई है राजधानी भोपाल से, राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश की कॉपी आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। छठवें वेतनमान पर 9% का डीए बढ़ाया गया है और इसी तरह सातवें वेतनमान के लाभार्थियों का भी डीए बढ़ा दिया गया है 4%, बढ़ाया गया है सातवें वेतनमान में। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। दिनेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहयोगी दिनेश, क्या है जानकारी डीए बढ़ाने की और कितना लाभ मिलेगा? मध्य प्रदेश के पेंशनरों की बहुत दिनों से मांग थी कि महंगाई भत्ता उनका बढ़ाया जाए, उसको लेकर आज राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और आदेश जारी कर दिए गए हैं। छठे वेतनमान के अनुसार 9% जो है डीए बढ़ाया गया है, वहीं सातवां वेतनमान जो है पेंशनरों का उनको 4% डीए दिया जाएगा। वहीं अब जो वर्तमान डीए होगा वो छठवें वेतनमान के हिसाब से 221% मिलेगा, वहीं सातवें वेतनमान के हिसाब से 42% पेंशनरों को ये जो है डीए दिया जाएगा। और ये डीए जो है 1 जुलाई 2023 से लागू होगा और 1 अगस्त 2023 को डे होगा। कुल मिलाकर बात की जाए तो पेंशनरों की जो मांग थी लगातार, पेंशनर जो है इसको लेकर आंदोलनरत भी थे और कर्मचारी संगठन इसको लेकर सरकार पर दबाव बनाए हुए थे, उसके बाद ये सरकार ने फैसला लिया है। दिनेश, कितने लोगों को लगभग लाभ मिल सकता है इससे और क्या लाभ का दायरा हो सकता है? प्रदेश में करीब 1 लाख के करीब पेंशनर्स हैं, उनको इसका डायरेक्ट लाभ मिलेगा। बिल्कुल दिनेश, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर है, और छठवें वेतनमान पर 9% और सातवें वेतनमान पर 4% का डीए बढ़ाया गया है। लगभग लाखों लोग इसकी जद में आते हैं और उन्हें लाभ मिलेगा। पेंशनर्स की जो लंबे समय से मांग थी वो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी के रूप में सरकार ने पूरी करने की कोशिश की है।